गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोग प्लांट किंगडम के सबसे प्रिमिटिव ग्रुप थैलोफाइटा में एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि थैलोइड प्लांट बॉडी जिनमें है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन जो कि अपना खाना अपने आप बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अब हम उस ग्रुप में आ रहे हैं थैलोफाइट्स के, जिसमें कि प्लांट बॉडी थैलस लाइक ही है, नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीव्स। लेकिन ये वाले प्लांट्स जो हैं ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो ये इस ग्रुप को हम कहते हैं फंजाई, और इसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्स मींस मशरूम लॉगोस मींस स्टडी। और नॉर्मली हम इनको फंजाई कहते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड शब्द है। तो जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, इस ब्रांच में के एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं और इसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। जो भी किताबें आप पढ़ते होंगे उसमें या तो आपको फंजाई के नाम से बुक्स मिलती हैं या माइकोलॉजी के नाम से ये किताबें मिलती हैं। तो ये ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कौन सा ग्रुप है जो हमने अपने सिलेबस में इसको डाला हुआ है? ये वो ग्रुप है जो कि देखने से तो एक आम आदमी के लिए इसकी बैड इफ़ेक्ट्स हमें ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हम आम आदमी के लिए फंजाई वो शब्द है जो कि हम देखते हैं बरसात में, हमारे लेदर के बैग्स खराब हो जाते हैं, हमारे शूज़ खराब हो जाते हैं, हमारा अचार खराब हो जाता है या और फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं, हम फ्रिज में रखी हुई हमारी ब्रेड में भी फंगस लग जाता है। तो एक आम आदमी के लिए जो फंजाई है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ही हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट भी करता है हमारी लाइफ में, पूरे मैनकाइंड की लाइफ में कई तरीके से हमें बेनिफिशियल इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, और कई बार हमें इन फंजाई से बहुत नुकसान भी होते हैं। क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस देखते हुए ये ग्रुप जो है, चाहे आप देखने से इसमें ट्रीज की तरह से प्लांट बॉडीज नहीं हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक जनरली प्लांट बॉडीज होती हैं, और अगर माइक्रोस्कोपिक नहीं है तो वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो उनके फ्रक्टिफिकेशंस हैं। जैसे मशरूम्स के केस में आप देखते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, मशरूम्स बड़े चाव से खरीद के लाते हैं और उसकी सब्जी खाते हैं, वो जो मशरूम वाला पार्ट है वो फंगस का बेसिक पार्ट नहीं है, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फ्रक्टिफिकेशन या फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि इस ग्रुप को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको हम प्लांट्स कहते हैं, कई लोगों की बहुत कंट्रोवर्सी भी थी शुरू में कि क्या फंजाई को हमें प्लांट किंगडम में रखना चाहिए या अलग ग्रुप होना चाहिए। शुरू में बहुत कंट्रोवर्सी रही, लेकिन अल्टीमेटली जो फंजाई का ग्रुप है इसको हम प्लांट किंगडम में ही पढ़ते हैं और थैलोफाइटा के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। थैलोफाइटा वो ग्रुप है प्लांट किंगडम का जिसमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक है, जिसमें एक ग्रुप एल्गी का है, दूसरा ग्रुप फंजाई का है। तो ये जो प्लांट्स हैं या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स एक सिंगल सेल के फॉर्म में, और मेजॉरिटीज में जो हैं दे आर मल्टीसेलुलर और या फिलामेंटस हैं। फिलामेंटस का मतलब है प्लांट बॉडी इनकी फिलामेंट लिंक है। फिलामेंट में भी आप वेरिएशंस देखेंगे, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि फिलामेंट के फॉर्म में तो हैं, लेकिन ये फिलामेंट्स भी बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड, मल्टीपल इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, एंड इस मल्टीपल ब्रांचिंग जो पूरा पार्ट है इसको हम हाइफा कहते हैं, इसको इसका नाम है हाइफा। When the plant body doesn't have roots, stems and leaves,
और थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, लेकिन फंगस के केस में इस तरह की प्लांट बॉडी को हम हाइफा कहते हैं। ये कई सारे हाइफी जब एक दूसरे से इंटरमिंगल हो जाते हैं, जब लग्जूरियंट ग्रोथ इनकी होती है, तो एक हाइफा दूसरे हाइफा से उलझ के एक स्ट्रक्चर बना लेता है, या ब्रांचिंग होने से ये काफी फैल जाता है जहां पर ये ग्रो कर रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कहते हैं। सिंगल फिलामेंट को हमने हाइफा कहा, और इसकी जो इंटरमिंगल होके या लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। तो इन टर्म्स से पहले फैमिलियर होना जरूरी है कि व्हाट इज थैलस, व्हाट इज हाइफा, व्हाट इज माइसीलियम। तो माइसीलियम इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ मेनी हाइफी एंड दे फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स विच आर ब्रांच्ड और मे बी अनब्रांच्ड, बट हाइफा इज ए पार्ट ऑफ द फिलामेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ द फिलामेंट। तो फंगस के केस में प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर है, बहुत कम फंजाई में होती है। मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी और या फिलामेंटस प्लांट बॉडी मेजॉरिटी फंजाई में होती है। उस तरह की प्लांट बॉडी हाइफा के फॉर्म में या माइसीलियम के फॉर्म में आप लोअर फंजाई से हायर फंजाई तक, लोअर फंजाई क्या है, हायर फंजाई क्या है, वो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। जिनमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है उनको हम लोअर फंजाई कह देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और जिनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लांट स्ट्रक्चर्स हैं, फंगस के स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उनको हम हायर फंजाई कहते हैं। तो लोअर फंजाई से हायर फंजाई तक हम ये देखते हैं कि ये हाइफी या माइसीलिया वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन से मतलब ये है कि किसी किसी में हाइफा इस तरह का विदाउट सेप्टा होगा। विदाउट सेप्टा का मतलब है प्लांट बॉडी में अगर आप एक पोर्शन इसका लो तो इसके अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियाई या सिंगल न्यूक्लियस, कई बार एक न्यूक्लियस यूनि न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, कई बार मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ते हैं। यूजुअली जो फंजाई ऐसे हैं जिनमें कोई सेप्टा नहीं है उनमें मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है। नेचुरली अगर सेप्टा नहीं होंगे तो इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सब एक पूरे साइफन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। तो हमेशा एसेप्टेड फंजाई के अंदर मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है। तो ऐसे फंजाई को जिसमें कि एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक। सीनोसिटिक एक टर्म है जो बार बार फंजाई के पढ़ने में आएगा आपके इस कोर्स में। उसका मतलब यह है कि एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन इन द हाइफा इज नोन एज सीनोसिटिक कंडीशन, वेयर एज इन दोज फंजाई वेयर प्लांट बॉडी द हाइफा इज सेप्टेट, इस तरह का सेप्टेट होगा तो इसके अंदर या तो सिंगल न्यूक्लियस होता है और या किसी किसी केस में बाई न्यूक्लियट कंडीशन होती है, दो न्यूक्लियाई होते हैं इस तरह से, हर कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियाई होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन भी इसके अंदर होती है, कई सारे न्यूक्लियाई भी होंगे। तो ये वेरी करता है हमेशा उन फंजाई में जो कि सेप्टेट है, वेदर इट इज यूनि न्यूक्लियट, ईच कंपार्टमेंट इज यूनि न्यूक्लियट और बाई न्यूक्लियट और मल्टी न्यूक्लियट। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियाई हैं, ये अगर ये दो न्यूक्लियाई हैं तो ये होमोकैरियोटिक, ये दोनों होमोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि ये दोनों न्यूक्लियाई का जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ये दो न्यूक्लियाई कहाँ से आए, दो न्यूक्लियाई एक और दूसरा माइसीलियम के आपस में फ्यूज होने से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, इस वाले हाइफा अगर इसके कांटेक्ट में आए तो इसका एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया, और अगर ये इसका यहाँ चला गया तो इसका मतलब है वो इट कान बी होमोकैरियोटिक, इट शुड बी हेटरोकैरियोटिक। एक इस माइसीलियम से न्यूक्लियस आया, एक इस माइसीलियम से न्यूक्लियस आया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें कि अगर आप इसमें न्यूक्लियाई देखते हैं तो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ये होमोकैरियोटिक
या हेटरोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती है। तो ये फंजाई का जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये मिलते कहाँ हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर। जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ एल्गी की तरह से फंजाई भी वाटर में या टेरेस्ट्रियल, मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, और क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ हैं, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, तो ये इन ऐसी जगहों पर भी मिलते हैं जहाँ पर इनको फूड मटेरियल मिल सकता है। तो फूड मटेरियल कहाँ मिलेगा इनको, या तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जहाँ पर ह्यूमस है या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, आप कागज की रद्दी डाल दीजिए या आप कुछ फूड आइटम्स डाल दीजिए या घास डाल दीजिए या हे डाल दीजिए, ये तो हर जगह ये फंजाई ग्रो कर जाते हैं, प्रोवाइडेड दे गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इस यही रीजन है कि बरसात के दिनों में आप कुछ भी सामान कहीं रखते हैं, ब्रेड को रखते हैं, खुला रख देते हैं, तो थोड़ा मॉइस्चर ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके लिए हो जाता है। तो उस ब्रेड के ऊपर आपने ग्रीन रंग के या ब्लू रंग की के फंजाई ग्रो करते देखे होंगे अपने घरों में, या शूज को, आपके शूज गीले हो गए तो आपने कुछ दो तीन दिन उसको बाहर धूप में नहीं सुखाया, उसमें आप व्हाइट कलर का फंगस लगता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये इनका सबस्ट्रेट लविंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उससे अपना खाना ले लेते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, सो दे ऑलवेज लुक फॉर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच दे कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशन। तो ये ऐसे फंजाई को जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, शूज हैं या बैग हैं या कोई भी लेदर का सामान है, या तस्वीरें हैं आपके यहाँ वॉल में तस्वीरें लगी रहती हैं, अगर दीवार थोड़ी गीली हो गई या मॉइस्चर सीलन हो गई तो आपके तस्वीरें भी गड़बड़ हो जाती हैं, उसमें आपको लगता है फंगस ग्रो कर रहा है। तो ऐसे सारे फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड लेते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। और इसके अलावा दूसरा ग्रुप ये है कि अगर ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना नहीं लेते तो ये किसी प्लांट पर या किसी एनिमल पर अटैक करते हैं और उससे अपना खाना डिराइव करते हैं। और ये जो खाना अपना लेते हैं, चाहे ये सेप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, ये खाना लेने के लिए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अपनाते हैं, इंजेशन की प्रोसेस नहीं अपनाते। एब्जॉर्प्शन तब पहले एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये इंजेस्ट करते हैं उस फूड को। तो सेप्रोफाइट्स हैं, दूसरे हैं पैरासाइट्स। तीसरे एक और ग्रुप भी है जो कि प्रेडेशियस है। प्रेडेशियस पैरासाइट्स वो फंजाई हैं जो कि किसी प्लांट के ऊपर, किसी क्रॉप के ऊपर, किसी कोई भी लिविंग प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। वो खाना लेने के तरीके भी इनके डिफरेंट हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब है क्या कि अगर प्लांट, अगर फंगस सेप्रोफाइट है तो ये भी, सेप्रोफाइट्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जिंदगी भर डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना लेते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट, पक्के जो सेप्रोफाइट्स हैं, ट्रू सेप्रोफाइट्स, उनको हमने कहा ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। उसके कंट्रास्ट में ऐसे सेप्रोफाइट्स भी हैं जो जनरली तो सेप्रोफाइट्स हैं, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलने से, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, दे बिकम पैरासाइट ऑल्सो। कुछ ऐसे फंजाई नेचर में हैं जो कि या तो हमें हैं तो सेप्रोफाइट्स, लेकिन ऑब्लिगेट ना होके वो अपने को चेंज कर सकते हैं, वो पैरासाइट की तरह से भी रह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, नॉट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स बट फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सिमिलरली इफ दे आर पैरासाइट्स दे मे बी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब है जो हमेशा पूरी जिंदगी भर किसी ऑर्गेनिज्म से के ऊपर अटैक करके
उससे अपना खाना लेते हैं, तो उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। उसके कंट्रास्ट में ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कभी कभी सेप्रोफाइट्स की तरह से भी रह सकते हैं। पैरासाइट ना होके वो कभी कभी आर्टिफिशियल मीडियम में या सेप्रोफिटिक भी होते हैं, तो उनको हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये याद रखने की बात है कि सेप्रोफाइट्स के केस में हम कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स टू दोज जो कि हैं तो सेप्रोफाइट्स लेकिन बन जाते हैं कभी कभी फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स वो ऐसे हैं या तो ऑब्लिगेट हैं, ट्रू पैरासाइट्स हैं, लेकिन कभी कभी वो बन जाते हैं सेप्रोफाइट्स, तो उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। प्रेडेशियस फंजाई आर दोज फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई भी नेचर में है, वेरी अमेजिंग टू हियर दैट, ऐसे फंजाई भी हैं जो कि एनिमल्स को या छोटे इंसेक्ट्स को या निमेटोड्स को ट्रैप करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं, उनमें स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये फंगस है, ये इस तरह से कॉइल हो जाएगा कि अगर कोई छोटा सा निमेटोड यहाँ पर आ रहा है तो ये इसके चारों तरफ एक कॉइल बना देता है। जैसे इस तरह के प्लांट्स भी आपको मालूम है कि जो एनिमल से अपना फूड लेते हैं, उसी तरह के ये फंजाई भी हैं जो उसके चारों तरफ एक कॉइल बना देते हैं, या कभी कभी वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वॉल में एडहेर हो जाता है, अट्रैक्ट होके, और धीरे धीरे वो उसको इस तरह से क्रंच कर देते हैं, दबा देते हैं, उससे वो एब्जॉर्प्शन से उसका सारा जो फूड मटेरियल इस ऑर्गेनिज्म में है, इस लिविंग इंसेक्ट में है या निमेटोड में है, उसको ले लेते हैं। तो ऐसे फंजाई जो ट्रैप करते हैं एनिमल्स को, उनको हम कहते हैं प्रेडेशियस फंजाई। तो ये तीन तरह के हो गए, सेप्रोफाइट्स, नॉर्मली दे आर सेप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स, सम आर प्रेडेशियस फंजाई। तो ये इनकी इकोलॉजी है कि हाउ डू दे ग्रो। और अगर सेप्रोफाइट्स हैं, बरसात के दिनों में आप देखेंगे लग्जूरियंट ग्रोथ, कहीं पर आप दो चार चीजें डाल दीजिए तो उसमें आप देखेंगे फंजाई की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो हमने कहा कि ये फंजाई दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे लिव एज सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और आइदर प्रेडेशियस फंजाई। इस प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए फिलामेंट और समटाइम्स कुछ किसी किसी केस में यूनिसेलुलर भी होती है, जिसके एग्जांपल ईस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है, सैकरोमाइसिस, जिसमें प्लांट बॉडी एक सेल के फॉर्म में होती है। और ये सेल के फॉर्म में प्लांट बॉडी होने के बाद भी कई बार आपको स्यूडो माइसिलियम भी दिखाई पड़ेगा, स्यूडो जो ट्रू माइसिलियम नहीं होता है, स्यूडो माइसिलियम होता है। वो किस केस में? जैसे ईस्ट के केस में प्लांट बॉडी एक सेल के फॉर्म में होती है, और ये सेल जो है ये बडिंग की प्रोसेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। एक सेल दो में डिवाइड हो गई, फिर ये सेल डिवाइड हो जाती है, तीसरे में डिवाइड हो गई, इस तरह से एक चेन ऑफ सेल्स एक के बाद एक बन जाती है। तो ये माइसिलियम की तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये माइसिलियम एक्चुअली ट्रू माइसिलियम नहीं है, ये बडिंग की फॉर्म से बडिंग होके एक फॉल्स माइसिलियम सा दिखाई पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडो माइसिलियम, झूठा माइसिलियम, स्यूडोमाइसिलियम। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनकी वेरिएशन इतना ज्यादा है, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, यूनिसेल्युलर और स्यूडोमाइसिलियम। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इन फंजाई का स्ट्रक्चर टिपिकल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, नो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में ध्यान है, तो एक सेल है, इस सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये जो मैं आउटग्रोथ से बना रही हूँ, ये फंगल सेल में आपको इस तरह के इन्वेजिनेशन दिखाई पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये इन्वेजिनेशन जो है लोमासोम्स कहलाते हैं, ये सेल वॉल है, बाहर की सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा जिसमें कि न्यूक्लियोलस होगा। इसके अलावा इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई पड़ते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ते हैं हमें, एक एक ही बनाया है, ऐसा नहीं है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रियम है, इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जस्ट टू शो यू कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और कई फंजाई में आपको गोल्जी एपरेटस भी दिखाई पड़ेगा, गोल्जी एपरेटस स्पेशलिटी कई फंजाई में है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसमें फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज नॉट स्टार्च बट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन है। ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है फंजाई का कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज न्यूक्लियस, एंड दीज आर कॉल्ड लोमासोम्स। अब इसके अलावा इसमें कई सारे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर कई तरह के माइक्रो फाइब्रिल्स, माइक्रो बॉडीज होती हैं जिनका फंक्शन सिक्रीशन का होता है या एक्सक्रीशन का होता है, तो माइक्रो बॉडीज भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि बाकी यूकैरियोटिक सेल से जो फंजाई का सेल है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लाइकन, काइटिन एंड ग्लाइकन। प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी प्रोटीन की होती है, और सेल्यूलोज इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल ग्रुप, जब हम आगे बढ़ेंगे हमें मालूम होगा कि एक लोअर फंजाई का एक ग्रुप है जिसको हम ओमाइसिटीज के नाम से जानते हैं, उस ग्रुप को, उसमें हमेशा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो फंजाई के केस में ये वेरिएशन भी हमको एक्सेप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं कि मेजॉरिटी फंजाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन जो कि पॉलीसेकेराइड्स के डेरिवेटिव्स हैं, ग्लाइकन इसमें प्रेजेंट होता है, और कुछ एक ग्रुप में ओमाइसिटीज के ग्रुप में हमें सेल्यूलोज मिलता है जो कि एब्सेंट है मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में। इसके अलावा हम अगर सेल वॉल को देखेंगे तो सेल वॉल में हम इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हमने देखा तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जिस जो कि इतने लेयर्स की मिलके बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, ये ग्लाइकन है, सबसे ज़्यादा ये ग्लाइकन लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। सेकेंड लेयर जो है, दिस इज द सेकेंड लेयर, ये हम एक पूरी सेल वॉल की एनालिसिस कर रहे हैं। एक सेल वॉल को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। अगर इस सेल वॉल की हम एनालिसिस करें तो ये चार तरह की लेयर से मिलके बनी है। आउटर मोस्ट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकन, मिडिल वन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, दिस वन इज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड वन, दिस वन इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस ग्लाइकन इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी इन ऑल द फंजाई, वेयर इज दिस मिडिल वन ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉट फाउंड इन ऑल फंजाई। ये वाली लेयर सारे फंजाई में प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोटीन वाली लेयर जो है, ये दो प्रोटीन की लेयर है, ये फंजाई में होती है लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत कम होती है। और ये वाली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द फंजाई। लास्ट वन, इसमें एक और लेयर मैंने दिखाई थी यहाँ पर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले छोटी सी लेयर, दिस इज द काइटिन लेयर। सो ग्लाइकन एंड काइटिन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, वेयर एज दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज फाउंड इन सम फंजाई एंड नॉट इन ऑल फंजाई, एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये एक डिफरेंस है इसकी सेल वॉल में बाकी यूकैरियोट से। अदरवाइज प्लांट बॉडी और द सेल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ऑल अदर हायर प्लांट्स।
हर प्लांट्स में यूकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स, सिमिलरली फंजाई आर यूके, कोई भी ऐसा मेंबर इसमें नहीं है जो कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। एल्गी के केस में हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज इन फंजाई नो जीनस और नो मेंबर इज प्रोकैरियोटिक। तो ये इसका एक्सटर्नल फीचर्स हैं। इफ प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेल, जैसे ये एक सेल के फॉर्म में है, तो होता क्या है कि दिस सेल पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, पूरा का पूरा सेल पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। इसका मतलब है एक प्लांट बॉडी वेजिटेटिव है, लेकिन जिस समय रिप्रोडक्शन होगा, द होल प्लांट बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे फंजाई जिनमें कि प्लांट बॉडी ही रिप्रोडक्शन का काम करती है, ऐसे फंजाई को हम कहते हैं होलोकार्पिक। इसको ऐसे याद रखना है, होलो, होल का मतलब तो डब्ल्यू एच होता है, लेकिन इसको आप याद रखने के लिए होलोकार्पिक टर्म हमने यूज किया है उन फंजाई के लिए जिसमें कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव, यही पूरे के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। वेयर एज इन फिलामेंटस फॉर्म और इन हाइफल फॉर्म या माइसीलियल फॉर्म, सिर्फ कुछ पार्ट्स, एक पोर्शन उसका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक माइसीलियम दिखाई पड़ रहा है, अगर इसमें रिप्रोडक्शन होना है तो इसी के ऊपर या तो सोलन स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके बेस में सेप्टम बन जाएगा, अगर ये एसेप्टेट है, इसको अलग कर देता है इस बाकी पार्ट से। तो ऐसे फंजाई को जिसमें प्लांट बॉडी का एक ही पोर्शन रिप्रोडक्शन में काम आता है या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे फंजाई को हम यूकार्पिक बोलते हैं। तो इस बेसिस पर, इनके रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के बेसिस पर, हम फंजाई को होलोकार्पिक और यूकार्पिक फंजाई में डिवाइड करते हैं, इन दो तरीके में डिवाइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि इसका, ये जो हमने कहा कि ये सेप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, हाउ डू दे टेक देयर न्यूट्रिशन। अगर पैरासाइट हैं, ये एक प्लांट के ऊपर इन्होंने अटैक कर लिया, जर्म ट्यूब स्पोर बना, स्पोर ने अपना जर्मिनेशन प्लांट की लीफ में किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीफ है, इसको सेप्रोफिटिक फंजाई जो हैं, वो किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें आराम से ग्रो करते हैं। उनका एक स्पोर है, वो जर्म ट्यूब निकालेगा और इसको फूड इससे मिल रहा है, तो इसमें ये लग्जूरियंट ग्रोथ, मैं बाद में आपको स्लाइड से दिखाऊंगी कि किस तरह से एस्परजिलस पेनिसिलियम की ग्रोथ हो जाती है इसके ऊपर, और ये जर्मिनेट करके ये डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स। उसके बाद इसका जो हाइफी है, इससे ब्रांचेस निकलती हैं और एक कॉम्पैक्ट कॉलोनी बन जाती है, क्योंकि इसको फूड मिल रहा है। होल आइडिया इज टू गेट द फूड, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज़ को, अगर फूड मिले, एक बच्चा ग्रो करता है, हम खाना खिलाते हैं उसे, तभी वो उसका साइज बढ़ता है, उसी तरह से इसमें भी ये फूड इससे लेगा और ये अल्टीमेटली इसमें माइसीलियम डेवलप हो जाता है और ये एक लग्जूरियंट ग्रोथ सेप्रोफाइट्स की आपको कॉलोनी के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। लेकिन पैरासिटिक फंजाई के केस में क्या होता है कि अगर एक स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट किया, जिस समय मैच्योर हो गया, जर्मिनेट किया और एक लीफ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, लीफ ही में नहीं इन्फेक्शन इसका होता है, स्टेम में भी होता है, कोई भी पार्ट में इसका इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट के, तो इसमें अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और इसको, इसके अंदर पेनिट्रेट, इसकी सेल्स में पेनिट्रेट इसकी जर्म ट्यूब करती है। इसमें पेनिट्रेशन की पावर होती है, कैसे, क्योंकि किसी किसी केस में ये एंजाइम से डाइजेस्ट करता है उसके सेल्स को और अपने जर्म ट्यूब को अंदर फैलाता रहता है। तो इस वजह से इसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अगर इपिडर्मिस है लीफ की, तो ये फंगस की जर्म ट्यूब आई और ये जर्म ट्यूब इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई और अंदर पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या करता है, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है जिनको हम कहते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर और नीचे तक चले जाते हैं, ये सब सेल्स हैं, प्लांट सेल हैं,
इट सेंड्स लॉन्ग ब्रांचेस एंड फाइनली दिस इज द होस्टोरियम. ये जो होस्टोरिया है ये एब्जॉर्प्शन के ऑर्गन्स हैं. फंगस हमेशा कोई ना कोई ऑर्गन्स के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करता है. इसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म या फूड मटेरियल है इट विल एब्जॉर्ब थ्रू दिस होस्टोरियम. अब ये होस्टोरियम मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया एक लोब्ड स्ट्रक्चर. ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लोब्ड स्ट्रक्चर हो. ये अलग अलग केस में अलग अलग तरह का होता है. ये इपिडर्मिस है. आपको कई सारे वेरिएशंस इसमें दिखाई पड़ेंगे. दिस इज द फंगस. इट सेंस एंड इट फॉर्म्स ब्रांचेस लाइक दिस. ये सेल है. आइदर दिस फॉर्म्स बिकम्स ब्रांच्ड और समटाइम्स जस्ट लो और मेनी टाइम्स इस तरह के हाथ के पंजे की तरह से स्ट्रक्चर भी बनाता है. तो ये होस्टोरिया के वेरिएशंस हैं. कितने तरह के होस्टोरिया हैं या तो इसी के बेस पर हम आइडेंटिफाई भी इन फंजाई को करते हैं कि इसमें होस्टोरिया किस तरह का है. दिस इज लोब्ड होस्टोरियम. दिस इज ब्रांच्ड. कई तरह की ब्रांचेस हैं. किसी किसी केस में ये फोक्ड भी होता है. फोक का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सेल के अंदर ये प्लांट सेल है उससे इसने खाना डिराइव किया इस तरह से. तो ये इनको हम कहते हैं होस्टोरिया. कई तरह के होस्टोरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा एक तरह के स्ट्रक्चर्स में ये भी होते हैं जिनको हम कहते हैं एप्रिसोरिया. एप्रिसोरियम सिंगल है तो एप्रिसोरियम. एप्रिसोरियम क्या है? ये फंगस का जो जर्मिनेशन वाला पार्ट है ये होस्ट सेल के ऊपर आएगा एंड हियर इट विल फॉर्म ए लोब्ड स्ट्रक्चर. देन इट सेंड्स होस्टोरियम. ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है सोलन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ता है एपिडर्मिस के ऊपर. दिस इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट. ये पहले अपने को अटैच कर लेता है होस्ट सेल की एपिडर्मिस में और तब ये होस्टोरिया नीचे भेजता है और इससे ये फूड डिराइव करता है. तो अगर ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं जिस दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट विच एस्टेब्लिशेज इटसेल्फ टू द सरफेस ऑफ द होस्ट एपिडर्मिस तो इस स्ट्रक्चर को हम एप्रिसोरियम कहते हैं. एप्रिसोरियम इज डिफरेंट. होस्टोरिया आर डिफरेंट स्ट्रक्चर. नॉट ओनली दिस फंजाई के केस में आप हमने डिस्कस किया कि माइसीलियम एक इसमें होता है. माइसीलियम जब एक दूसरे से उलझ जाते हैं बहुत सारी ग्रोथ हो गई जैसे मैंने यहाँ बताया इस तरह से ग्रोथ हो गई तो ये इस तरह से उलझ जाते हैं कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में बना लेते हैं. आपस में उलझ के बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं. उन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेक्टेनकाइमा. प्लेक्टेनकाइमा प्लेक्टेनकाइमा क्या है? अब ये हाइफी हैं, ये एक दूसरे से उलझ गए और इन्होंने एक टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया. आप देखते हो मशरूम जो आप हम खाते हैं मशरूम का जो पार्ट ऊपर का है जिसको फ्रूटिंग बॉडी को हम खाते हैं वो कैसे ऐसा कॉम्पैक्ट बन गया. दे आर माइसीलिया हाइफी हैं वो लेकिन वो हाइफी आपस में उलझ के एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बना लेते हैं. ये कॉम्पैक्ट टिश्यू जब एक बिल्कुल कुशन की तरह से हमें दिखाई पड़ता है इसको हम कहते हैं प्लेक्टेनकाइमा. अब प्लेक्टेनकाइमा इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. दो तरह का है. प्रोसेनकाइमा एंड स्यूडो पेरेनकाइमा. ये इनसे क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि प्लेक्टेनकाइमा तो एक कॉम्पैक्ट मास है जब फंजाई के माइसीलिया आपस में उलझ गए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया तो इसको हमने कहा प्लेक्टेनकाइमा. प्लेक्टेनकाइमा अगर लूजली अरेंज्ड है ये लूज हाइफी आपको दिखाई पड़ रहे हैं. इस तरह के लूज हाइफी उसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं. यू कैन सी द हाइफी. दिस इज कॉल्ड प्रोसेनकाइमा. लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हाइफी इस तरह से उलझ जाते हैं आपस में ये मॉडिफाई हो जाते हैं.
ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह का बना लेता है कि हमें माइसीलियम के बदले ऐसा टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगता है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स की तरह से दिखाई पड़ता है। ये एक्चुअली एक्चुअल पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं है, ये क्या है कि ये इस तरह से आपस में उलझ गए हैं कि ये मॉडिफाई होके इन्होंने ऐसी अपीयरेंस दे दी कि जैसे ये पेरेन, अगर आप मशरूम का सेक्शन काटोगे आपको यही स्ट्रक्चर उसमें दिखाई पड़ेगा जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये शायद पेरेन्काइमेटस सेल्स है, पर दे आर नॉट ट्रू पेरेन्काइमेटस सेल्स, इसलिए इनको हमने स्यूडो टर्म दिया, स्यूडो पेरेन्काइमा। ये दीज आर द टिश्यूज इन कॉम्प्लेक्स फंजाई। सिंपल फंजाई में तो आप हाइफी देख सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंजाई में प्लेक्टेन्काइमा विच इज डिवाइडेड इन टू प्रोसेन्काइमा एंड स्यूडो पेरेन्काइमा, तो ये टिश्यूज इसमें मिलते हैं। कई कई बार क्या होता है कि ये हाइफी एक दूसरे से ऐसे इंटरमिंगल हो जाते हैं, इस तरह से इंटरमिंगल हो जाते हैं कि एक रोप की तरह से स्ट्रक्चर बना दे, इट लुक्स लाइक ए रोप, एक रस्सी की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। ये जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ये फंजाई को पढ़ने के लिए, आगे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स आने चाहिए, व्हाट इज ए स्यूडो पेरेन्काइमा, व्हाट इज ए प्रोसेन्काइमा, एंड राइजोमॉर्फ्स आर द स्ट्रिंग्स ऑफ हाइफी जो कि आपस में उलझ के एक रस्सी की तरह से इस तरह से कॉइल्ड हो जाते हैं कि हमें एक रस्सी की तरह से ये हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। नॉट ओनली दीज राइजोमॉर्फ, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, दीज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स लाइक दीज हाइफी दे इंटरमिंगल विद ईच अदर एंड एट टाइम्स सर्टेन हाइफी मैनी हाइफी दे फॉर्म वेरी हार्ड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। हार्ड स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ते हैं हाइफी में इस तरह के, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत छोटे पिन हेड के बराबर भी हो सकते हैं या और बड़े भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, बट दे लुक ब्लैक इन कलर एंड वेरी हार्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये वेजिटेटिव हाइफा के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाइफा को जिंदा रखने के लिए बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं बाकी हाइफा खत्म हो जाता है, दीज स्ट्रक्चर्स दे सर्वाइव इन्वायरमेंटल कंडीशन को में ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया स्क्लेरोशिया बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत फंजाई में मिलते हैं, और ये एक तो इनका काम क्या है कि फंगस को जिंदा रखना अनफेवरेबल कंडीशंस में, दूसरा इनका काम क्या है कि दे कैन जर्मिनेट, दे एक्ट एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन फेवरेबल कंडीशंस, दीज स्क्लेरोशिया दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो एक तो ये पौधे को जिंदा या इस फंगस को जिंदा रखते हैं, दूसरा ये जर्मिनेट होके रिप्रोडक्शन का भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनमें स्क्लेरोशिया बनते हैं और स्क्लेरोशिया के अंदर कई तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि पॉइजन की तरह से भी होते हैं, हम उन फंजाई के बारे में बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कई बार इनके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके हम ड्रग्स भी बनाते हैं। तो स्क्लेरोशिया का बड़ा भारी रोल है फंगस की लाइफ में या ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये दे आर पॉइजनस एज वेल एज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस पॉइजनस सब्सटेंस कैन बी यूज्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, चाइल्ड बर्थ में जो हेमरेज को रोकने के काम आती हैं, एरगट आपने नाम सुना होगा, या नहीं सुना है तो हम डिस्कस को बाद में करेंगे। तो स्क्लेरोशिया वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोशिया एंड देर आर सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स, दीज कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स और रोप लाइक स्ट्रक्चर्स आर राइजोमॉर्फ, समटाइम्स दे आर नॉट रोप लाइक, दे आर दे फॉर्म ए मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स की तरह से स्ट्रक्चर हाइफी इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैट्रिक्स गद्दे की तरह से, और इस ये कुशन की तरह से स्ट्रक्चर बना, ये हाइफी है सारे, इसमें ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिनके अंदर
सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, इस तरह से इसके अंदर धसी हुई होती हैं सेक्सुअल बॉडीज। ये हायर फंजाई में आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। तो इनको हम कहते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आर वेरी इंपॉर्टेंट कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर इन सर्टेन फंजाई एंड दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पेरिथीशिया या हायर फंजाई में इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ये टर्म्स जो आपने देखे, प्लैक्टिनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी स्यूडोपेरेनकाइमा, राइजोमॉर्फ, स्टीरोशिया, स्ट्रोमा, दीज आर द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट बॉडी इन फंजाई। तो ये हम इनका मॉर्फोलॉजी में इनको देख रहे हैं कि कितने तरह के हमें स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई पड़ते हैं। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, ये सेप्टेट फंजाई के बारे में हैं, जिसमें कि आपने देखा हायर फंजाई में हमेशा माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है, उसमें एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से अलग होता है क्योंकि बीच में एक सेप्टम होता है। और एसेप्टेट फंजाई में सेप्टा तभी बनते हैं जिस समय सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। उन सारे फंजाई में, लोअर फंजाई में जो कि जिसमें कि कहीं पर कोई सेप्टा नहीं है, सेप्टेट माइसिलियम हो जाता है लेकिन वहीं पर जहां पर कि सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उसके बेस में। तो जिन फंजाई में सेप्टा होते हैं उन फंजाई के में कई तरह के सेप्टा आपको वेरिएशन दिखाई पड़ेगा, सब में एक जैसे सेप्टा नहीं होते। किसी किसी केस में आप देख रहे हैं ये फंगस का माइसिलियम है, बीच में सेप्टम है जो कि क्लोज्ड है, ये बिल्कुल बंद सेप्टम है। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे हैं, मेजॉरिटी फंजाई, जिसमें कि सेप्टम बीच में थोड़ा सा हल्का खुला होता है, एक पोर वहां पर होता है, वो पोर के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटोप्लाज्म का माइग्रेशन या उसका वो एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इस सेप्टम से इस सेप्टम में थ्रू दिस सिंगल पोर। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे हैं जिसमें एक पोर नहीं होगे, कई सारे पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, जिनके थ्रू माइग्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। साथ साथ न्यूक्लियाई भी इसमें एक से दूसरे में इनका कंटिन्यूस माइग्रेशन होता रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग और एडवांस टाइप के सेप्टा हमको हायर फंजाई का ग्रुप है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसके अंदर मशरूम्स भी आते हैं। उस ग्रुप में, उसके सभी मेंबर्स में नहीं बल्कि कुछ मेंबर्स में हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के पोर भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि सेप्टम एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर, दोनों तरफ से बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इस तरह का बैरल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इधर से भी और इधर से भी, और ये बीच में सेप्टम जो पोर है इलोंगेटेड पोर इसमें डेवलप हो जाता है, और इसके ऊपर एक कवरिंग, डबल कवरिंग दिखाई पड़ती है प्रोटोप्लाज्म की, जिसको हम पेरेंथोसोम कहते हैं। ये नाम पेरेंथोसोम हमने क्यों दिया, पेरेंथोसोम ये पेरेंथेसिस एक ब्रैकेट की तरह से, ब्रैकेट की तरह से इसके ऊपर लगा हुआ होता है। इसी बेस पर इस तरह के सेप्टा को हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड भी है कि ये ऐसे फंजाई जिसमें इस तरह के बैरल शेप्ड सेप्टा मिलते हैं और उनके ऊपर पेरेंथोसोम होता है, तो वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, हमेशा बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में ही सिर्फ मिलता है, और किसी ग्रुप में इस तरह के सेप्टम नहीं मिलेंगे। इस सेप्टम का नाम डॉलीपोर सेप्टम है। सो यू कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें कि डॉलीपोर सेप्टम मिलेगा जो किसी और ग्रुप में एब्सेंट होता है। तो सेप्टम का फंक्शन क्या है, सेप्टम हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट फंगस को देता है, इसके वजह से, सेप्टम की वजह से सारे सेल ऑर्गेनेल्स का माइग्रेशन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पोर्स होते हैं तो वही डिजायर्ड
माइक्रो बॉडीज ही इसमें एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में माइग्रेट होंगी, हर एक को अलाउ ये नहीं करता है। तो ये सेप्टा हैं जो कि उन फंजाई में मिलते हैं जहाँ पर कि ईच कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। लोअर फंजाई में जिसमें कि एसेप्टेड प्लांट बॉडी है, वहाँ पर अगर सेक्स ऑर्गन बन गए कहीं पर तो उसके बेस पर सेप्टम डेवलप बाद में होते हैं, वैसे सेप्टम इसमें एब्सेंट होते हैं लोअर फंजाई में, एसेप्टेड फंजाई के अंदर, और प्लांट बॉडी उसमें सीनोसिटिक होती है।